बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मौज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हाज़िर ख़िदमत है आपका मेज़बान सैयद हैदर अब्बास रिज़वी, हैदर टीवी कनाडा की जानिब से कहाँ गए वो लोग इस प्रोग्राम के साथ। हाथ रुकते ही नहीं है मातम शब्बीर से, इस्तिफादा कर रहा हूँ मौत की ताख़ीर से। 82 बरस की तवील उम्र पर पहुंचने के बाद भी मातम हुसैन से जो शख्स इस्तफादा कर रहा है वो है मिर्ज़ा तजम्मल हुसैन उर्फ नजम अफंदी। मिर्ज़ा तजम्मल हुसैन साहब की विलादत 1893 में शहर आगरा के अकबराबाद इलाक़े में हुई। आपके वालिद मिर्ज़ा आशिक़ हुसैन बज़्म अफंदी अपने वक्त के एक मारूफ शायर थे। आपके दादा मारूफ मरसिया गो शायर फ़सीह के हकीकी भाई थे। आपका खानवादा इल्म व अदब का गहवारा था। मरहूम अल्लामा नजम अफंदी साहब ने फ़सीह को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा था के नजम मैं हूँ खाके पाए मसनद आराए फसी, मदह की दौलत मिली है विरसे अजदाद से। अल्लामा नजम अफंदी मरहूम की इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। आगरे से मिडिल पास किया अंग्रेज़ी में। मरहूम नजम अफंदी साहब उर्दू, फारसी, अरबी और हिंदी में और अंग्रेज़ी में यकसां उबूर रखते थे। एक मौके पर नजम अफंदी साहब ने कहा था कि मैंने 2000 अंग्रेज़ी किताबों का मुतालिया कर चुका हूँ मैं। इससे कबल के मरहूम की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाए, उनकी शख्सियत की मुख्तलिफ पहलुओं पर निगाह डाली जाए, मैं मरहूम की एक हमदिया रुबाई से चार मिसरे पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। नजम अफंदी मरहूम कहते हैं, क्या हुस्न ज़िया सूरे अलहम्द में है, क्या हुस्न ज़िया सूरे अलहम्द में है, रूहे दूसरा सूरे अलहम्द में है, लाएगा कहाँ से हम्द करने वाला, लाएगा कहाँ से हम्द करने वाला, जो हम्द खुदा सूरे अलहम्द में है। मौज़ूद नाज़रीन, मिर्ज़ा तजम्मुल हुसैन जिनका कलमी नाम नजम अफंदी था, इंतहाई सादा तबीयत के इंसान थे। तबीयत में इंतहाई मतानत और एतदाल पसंदी थी। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट खेला करती थी। शख्सियत इंदिहाई पुरकशिश पाई थी आपने। आपकी सादगी को देखकर जोश मलियाबादी साहब ने कहा था कि रंगीनी नजम साहब को छूकर भी नहीं गुजरी है। वो एक मुत्तकी इंसान है और खुश मुत्तकी। डॉक्टर जाकिर हुसैन फारूकी साहब ने दबिस्तान दबीर में नजम अफंदी मरहूम का तस्करा करते हुए कहा कि मुरव्वत, वजादारी और छोटे बड़ों के साथ यकसां बर्ताव
ये मरहूम नजम अफंदी साहब की शख्सियत का खासा था। मौजूद नाजरीन, बात जब नजम अफंदी साहब के किरदार और उनकी शख्सियत पर है तो क्यों ना हम उनके चंद मिसरे पेश करते हुए चलें अखलाकी और समाजी कदरों पर। नजम अफंदी साहब ने कहा था कि गलत रवि का सलामत रवि में नाम न ले, गुरूर व निखवत व नफसानियत का नाम न ले, हम उसको नाजिशे इंसानियत समझते हैं, हम उसको नाजिशे इंसानियत समझते हैं जो इक्तदार पे दुश्मन से इंतकाम न ले। हाजिरीन मोहतरम, एक और किताब हजरात समाज फरमाते हुए चलें कि बेअमल इंसान तो एक मोहरे बेजोर है, बेअमल इंसान तो एक मोहरे बेजोर है, पहली बाजी में बिसाते दहर की पिट जाएगा। सफ़े गेती पे कुछ अपना नविशा छोड़ना, सफ़े गेती पे कुछ अपना नविश्ता छोड़ना, वरना एक दिन सूरत हरफ़े गलत मिट जाएगा। हाजिरे मोहतरम, नजम अफंदी साहब ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ 20 बरस की उम्र में किया था। आपने महकमे रेलवे में मुलाजमत अख्तियार की, लेकिन आज़ादी की तहरीक तर्क मवालात से मुतासर होकर मुलाजमत छोड़ दी और यूपी के रुदौली इलाके में खेती बाड़ी करने लगे। कुछ अरसे बाद आप हैदराबाद आए और हैदराबाद में मौज़म जा के यहाँ एक मुलाजमत की। आप प्रिंस को प्रिंस की इस्लाह फरमाया करते थे और इससे माहाना 200 रुपए की आमदनी हुआ करती थी, लेकिन यह सिलसिला कुछ ज़्यादा दिनों तक जारी नहीं रह सका। इस सिलसिले के मुनक़ता होने के बाद आपकी माली मुश्किलात में बेइंतहा इजाफा हो गया। चंद दिनों बाद हैदराबाद में ही हैदराबाद के छत्ता बाज़ार में एक छोटी सी जूतों की दुकान कर ली थी। मरहूम नजम अफंदी की शायरी का आगाज़ मरहूम ये इतना हिस्सा काट दीजिएगा मरहूम नजम अफंदी की शेरी ज़िंदगी से पर गुफ्तगू करने से कबल मैं चाहूँगा कि आहबाज़ ये चार मिसरे समाप्त फरमा लें कि उठाता हूँ कलम जब मैं किसी तहरीर की खातिर, उठाता हूँ मैं कलम जब किसी तहरीर की खातिर, ज़बाँ जब खोलता हूँ बज़्म में तकरीर की खातिर, दिल अपना थाम कर मौला का दामन थाम लेता हूँ, दिल अपना थाम कर मौला का दामन थाम लेता हूँ, जब ऐसा वक्त नाजुक हो अली का नाम लेता हूँ। मौजूद नाजरीन, मरहूम नजम अफंदी ने अपनी शायरी का आगाज़ 12 बरस की कमसिन उम्र में ही कर दिया था। आपने सबसे पहले एक गज़ल कही थी, उस गज़ल का मतलब समाप्त फरमाएं कि चांदनी में तुम ज़रा घर से निकल कर देखते, चांदनी में तुम ज़रा घर से निकल कर देखते, कब्र आशिक और एक मैली सी चादर देखते। इब्तिदा में मरहूम नजम अफंदी साहब ने इस्लाह अपने वालिद मोहतरम से ली, लेकिन इस्लाह का यह सिलसिला ज़्यादा दिनों तक जारी नहीं रह सका। अल्लामा नजम अफंदी साहब की यह खुशकस्मती भी थी कि उन्हें शुरू से ही बहुत ही साजगार माहौल मैसर हुआ। दिल्ली में उनकी रहाइश के दौरान वो अदबी माहौल
में बेखुद दहलवी पंडित अमरनाथ साहिर मुंशी अमीरुल्ला शौकत अली मेरठी अब्दुल रऊफ इज़्ज़त नासिर अली ख़ान मशी शहरी जैसे असातज़ा शुरा की सोबत में रहे। एक बार नजमाफंदी की एक शाहकार नज़्म को राजा पिंडरावल ने 1800 रुपये में ख़रीदा और उस रकम को एक यतीम खाने के लिए वक्फ कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा मरहूम का रुझान शायरी में इब्तिदा से ही सलाम, मनकबत, मरसिया, नौहे, रुबाइयात और क़ताअत की तरफ था। आइए हम अल्लामा नजम आफंदी मरहूम की नात से चंद अशआर देखते हैं। के इंसान के खाकी पैकर में अब शाफ़े महशर आते हैं, इंसान के खाकी पैकर में अब शाफ़े महशर आते हैं, दो जो दोनों जहां के मालिक हैं अब भेज बदल कर आते हैं। इंसान के खाकी पैकर में अब शाफ़े महशर आते हैं, जो दोनों जहां के मालिक हैं अब भेज बदल कर आते हैं। आमद है अब उनकी आलम में, जिनसे है वजूद अर्ज़ व समा, अब ख़त्म है सबकी राहबरी, कौनैन के रहबर आते हैं। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाइए, क्या कोई पिएगा मेरी तरह, मैं कश हूँ मैं ऐसी महफिल का, क्या कोई पिएगा मेरी तरह, मैं कश हूँ मैं ऐसी महफिल का, जब से मुझे पीते देखा है कौसर को भी चक्कर आते हैं। मरहूम के नासिये नातिया मुसद्दस के चंद मिसरे मुलाहिज़ा करें कि तारीख थी सरापा जब तक फ़िज़ाए आलम थी, कायनात जब तक मसरूफ़ ख्वाब मोकम थी, बहरोबर की हस्ती जब एक लफ्ज़ मुबहम, हाबील का नकम था जब तक नसीब आदम, तू जब भी जलवागर था ऐ खुशनुमा सितारे। मोहतरम नाज़रीन, नजम आफंदी साहब को इस बात का शरफ भी हासिल हुआ कि 20वीं सदी के मायानाज शोहरा जिनमें हाली अकबर इलाहाबादी, सफ़ी लखनवी, आरजू लखनवी, जोश मलिहाबादी, यगाना, सीमा अकबराबादी, महज़ब लखनवी, नसीम अमरोहवी, सैयद आले रज़ा और रईस अमरोहवी जैसे मारूफ शोरा उनके हम असर कहलाए। अल्लामा नजम आफंदी मरहूम के शागिर्दों की भी एक तवील फहरिस्त है। कहा जाता है कि उनके 72 शागिर्द थे। मैं चंद इंतहाई मारूफ शोरा का नाम लूँगा जिन्होंने कसब फैज़ किया था अल्लामा मरहूम नजम आफंदी साहब से। काबिल ज़िक्र है उनमें सईद शाहद शहीदी साहब, शहीद यार जंग कोकब अकबराबादी, प्रिंस मौज़म जाह, सुहैल आफंदी और मरहूमा रूप कुमारी साहिबा। नाज़रीन मोहतरम, अदब से हटकर मरहूम नजम आफंदी साहब में वतन परस्ती का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। अंग्रेज़ों से नफ़रत,
बहुत ही साफ तौर पर नुमायाँ थी उनकी शख्सियत में। अपने स्कूल के ज़माने में एक बार एक साथी तालिबे इल्म के साथ लड़ बैठे, इस लड़ाई को देखकर उनके मास्टर, जिनका नाम राजकुमार था, उन्होंने कहा कि तुम दोनों तीसरे से क्यों नहीं लड़ते। इस बात ने मरहूम अल्लामा नजम अफंदी पर गहरा असर किया और नजम अफंदी ने इस बात को महसूस किया कि तीसरे से मुराद यकीनन अंग्रेज है। वतन परस्ती और कौम परस्ती पे उनके चार मिसरे बतौर ख़ास आप हज़रात समाज फरमाएं कि जो वतन का दोस्त हो अहले वतन का गम गुसार, फिरका वाराना तासुब से हो जिसके दिल को आर, वो जवान कौम जिसका हुस्न हो इंसानियत, जिंदगी उसकी उरूसी मौत है उसका सिघार। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आइए अब हम उनकी शख्सियत के उस पहलू की तरफ चलते हैं जिसने उन्हें ज़िंदा जावेद बनाया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब आइए हम मरहूम नजम अफंदी साहब की शख्सियत के उस पहलू पर गुफ्तगू करते हैं जिसने उन्हें ज़िंदा जावेद कर दिया। अल्लामा मरहूम का रुझान बचपन ही से रसाई अदब की तरफ था। ये बात इंतहाई काबिल ज़िक्र है कि 20वीं सदी में बहैसियत एक नौहा निगार के, जो शोहरत अल्लामा मरहूम ने हासिल की वो किसी और शायर के नसीब में नहीं आ सकी। आज भी दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ उर्दूदा शियान हैदर कर्रार आबाद हैं, अल्लामा नजम अफंदी की नौहे पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं। मरहूम नजम अफंदी साहब को जदीद इनकलाबी नौहों का परवरदिगार कहा गया है। अफंदी साहब ने अपने नौहों से नौजवान नस्ल में आज़ादारी के जज्बे को जुनून की हद तक फ़रोग दिया था, और सिर्फ नौजवानों को ही नहीं बल्कि उनके नौहे सुनकर बुज़ुर्ग हज़रात भी अक्सर नौजवानों की सफ़ में शामिल हो जाया करते थे और मातमदारी किया करते थे। डॉक्टर तकियाबी साहब ने अपनी किताब कायनात नज्म में नजम अफंदी साहब के नौहों की तादाद 144 बताई है और उनके टोटल अशार 2237। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी नौहों में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम भी दिया है और हुसैनियत की तशहीर और तबलीग भी की है। ये दो मिसरे उनके काबिले ज़िक्र हैं कि मरकज़ बनाकर आज हुसैनी निशान को, मरकज़ बनाकर आज हुसैनी निशान को दुनिया में इत्तेहाद का ऐलान कीजिए। नजम अफंदी दरअसल नौहे को पैगाम हुसैनी और तबलीग हुसैनी का ज़रिया बनाना चाहते थे। अपने नौहे में के एक शेर में वो कहते हैं कि कुदरत है अगर नज्म तो नौहे की ज़बाँ में, कुदरत है अगर नज्म तो नौहे की ज़बाँ में हर कौम को शब्बीर का पैगाम सुना दे। और ये दो मिसरे भी काबिल समात हैं कि चेहरे रोशन दिखाकर फितरत इस्लाम का, चेहरे रोशन दिखाकर फितरत इस्लाम का, कलमा पढ़वा दो शहीद करबला के नाम का। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नौहे के अलावा नजम अफंदी मरहूम के सलाम
منقبت، قصائد اور مراسی بھی اردو کی رسائی ادب میں شاہکار ہیں۔ خاص طور پر ہندی کے سلام اور نوحے، نجم افندی صاحب اپنی ایک ہندی نظم دکھ کا ساگر میں کہتے ہیں، ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی، اس چاند کی دس کو سانجھ طلب شبیر سے دنیا خالی تھی، یوں جگ میں نہ لاگی آگ کبھی، اس ڈھب سے نہ اجڑا باغ کہیں، یوں جگ میں نہ لاگی آگ کہیں، اس ڈھب سے نہ اجڑا باغ کہیں، سوکھی ہوئی پتی پتی تھی، ٹوٹی ہوئی ڈالی ڈالی تھی۔ حاضرین محترم، نجم افندی صاحب نے تین مراسی تحریر کیے، معراج فکر اور فتح مبین، اور ایک ان کا غیر مدعو مرثیہ بھی تھا۔ فتح مبین اور معراج فکر اور ان کا غیر مدعو مرثیہ، یہ تینوں ہی مرثیے ادب میں شاہکار مرثیے کے حیثیت سے جانے گئے۔ بہت سے ناظرین، جدید نوحوں کا یہ پروردگار December 21, 1975 صبح 9:30 کراچی میں ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ اپنے نوحے، مراسی، مناقب، قصائد اور سلام، یہ وہ تخلیقات ہیں علامہ مرحوم کی جنہوں نے مرحوم کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا۔ وہ آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس موقع پر بہترین خراج تحسین ہے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ سے ان کی روح کو ایصال کر رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑا ہدیہ ہے ان کے لیے۔ ہم آج کا پروگرام یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ مرحوم نجم افندی صاحب کے سلسلے کی دوسری کڑی انشاءاللہ جلد ہی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنے میزبان سید حیدر عباس رضوی کو اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ التماس دعا۔